राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक के बीच 5 लोगों ने एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से गैंगरेप किया। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल की महिला के साथ यह घटना पगेल जिले में हुई। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक महिला के साथ 20 जुलाई की आधी रात को मारपीट और गैंगरेप किया गया। दरअसल महिला पेरिस के मुलान रूज में कुछ खाने पीने गई थी, तभी 5 अफ्रीकी वहां पहुंचे। उन्होंने महिला को मारा और फिर दुष्कर्म किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें महिला एक कबाब की रेस्टोरेंट में भागती नजर आ रही है। महिला के कपड़े फटे थे और वह मदद मांग रही थी। इस दौरान वहां मौजूद दूसरी महिला उसे पानी पिलाती है। इसके कुछ ही देर बाद वहां 5 में से एक आरोपी पहुंचता है। वो जैसे ही महिला के पास पहुंचता है वह घबरा जाती है। इस पर रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरे कस्टमर आरोपी को मारते हैं, फिर वह फरार हो जाता है। पेरिस में घटना तब हुई जब शुक्रवार को वहां ओलंपिक टूर्नामेंट का आगाज होना है। पुलिस के मुताबिक महिला का इलाज जारी है। महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसका फोन भी छीन लिया। ऑस्ट्रेलियाई महिला ने वापस जाने के लिए टिकट करवा लिया है, पर पुलिस ने जांच में सहयोग करने के लिए पेरिस में ही रहने की अपील की है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।